ये वाली वीडियो आपको पसंद आए तो मेक श्योर करके इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ साथ इंस्टाग्राम का हैंडल भी सामने लिखा आ रहा है, वहाँ पे आप आके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। इस गाड़ी की काफ़ी सारी गाड़ियों की रील्स मैं डालता रहता हूँ, वहाँ पे किसी किसी कंपनी को तो मैं क्रिटिसाइज भी करता रहता हूँ क्या कर रही है वो कंपनियाँ। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी है, 5 साल भी लेते हैं तो भी अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी है, और अगर लंबे टाइम तक गाड़ी रखनी है बट पीस ऑफ माइंड रहना तो 10 साल तक वारंटी एक्सटेंड करा दो। 10 साल तक वारंटी एक्सटेंड करा दीजिए, ये चीज़ें रिटर्न में। बलिनों को कितना टाइम हो गया? बलिनों को सर सवा दो साल हो गया, दिसंबर 2018 में ली थी। ज़्यादा उसमें बताते हैं रियल में ही है क्या कि बैक में पेन होने लग जाता है? नहीं, बहुत कंफर्टेबल है सर गाड़ी, क्योंकि मेरे को तो 3-4 लोगों ने बोला कि उसकी जो फ्रंट सीट है ना, नहीं सर मैंने तो बैक पेन करने लग जाती है। मैंने बहुत चलाई सर, मेरा खूब चलाई, वो कोई 2 साल के अंदर 18,000 किलोमीटर चल गई, इसमें 2 लॉकडाउन देख लिया उसने। अच्छा, लॉकडाउन से पहले ली थी? हाँ, वो 2018 में ली थी ना, बीच में हुआ ना लॉकडाउन, 18 दिसंबर में ली थी। बस उसमें दिक्कत यही है उसमें बिल्ड क्वालिटी की, बहुत कलेश ही है उसमें ना, 2 बार ही बॉडी वर्कशॉप जा चुकी है वो। वो चीज़ तो मारुति ने कह के तब कम करें भाई, आपको माइलेज बहुत ज़्यादा चाहिए तो ओबीसी देखो, 1200 cc का इंजन इसका है, 1200 का ही उसका है, ठीक है, वो 83 PS पावर के साथ में, ये 90 PS पावर के साथ में। अब गाड़ी का जो वेट है वो भी तो इंजन ने खींचना है। अब मान के चलो सेम ही इंजन पे, ठीक है, अगर सेम ही पावर के साथ में, ठीक है, एक में 1500 किलो वेट है, एक में 1200 किलो वेट है, तो 1200 वाली ऑफिसली इजी भगेगी। हाँ ठीक है, माइलेज ज़्यादा निकलेगा ही। मैं वही बोलने वाला था, उसमें ना वो मतलब हल्की होने के कारण ना उसमें पंच बहुत तगड़ा है, ठीक है, सर मारती है वो सीट पे इतना बहुत, उसमें पंच बहुत अच्छा है उसमें ना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये चीज़ उन्होंने स्विफ्ट और डिजायर में सबसे पहले करी थी यहाँ से लेकर। हाँ, स्विफ्ट डिजायर में करी थी। बाकी होंडा में ये है क्वालिटी के मामले में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना R&D करते हैं, जितनी R&D इस गाड़ी पे की है किसी गाड़ी पे नहीं की होंडा, जो अंदर भी ये प्लास्टिक है ये भी फूड ग्रेड प्लास्टिक है, जो कई बार होता है ना पूरे दिन धूप में खड़ी होती है, सफोकेशन हो जाती है गाड़ी में, उसके बाद बैठते तो स्मेल सी आती है इस प्लास्टिक की, वो नहीं आएगी एक तो इसमें, दूसरा स्क्रेच फ्री प्लास्टिक होगी, जैसे कई बार होता है डैशबोर्ड पर कुछ भी रख देते हैं स्क्रेचेस वगैरह आ जाते हैं, वो नहीं आएगी इसमें। डीजल टेस्ट ड्राइव आती ही नहीं है इसकी? टेस्ट ड्राइव मोस्टली कंपनी अलॉट करती है, तो अब डीजल वैसे भी एक्चुअल चीज़ तो ये है डीजल ना बिकती भी कम है होंडा की ना किसी भी मैन्युफैक्चरर की डीजल, क्योंकि देखो लोगों के रनिंग ज़्यादा है नहीं, जिनकी ज़्यादा सिर्फ वही डीजल लेते हैं, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन लोग CNG प्रेफर करते हैं। नहीं, जैसे मैं बलिनो का बताता हूँ, कहने को तो कहते हैं कि सर्विस सस्ती है, ये हुआ अभी सर्विस हुई थी उसकी 20,000 किलोमीटर वाली, वो हुई 6500 रुपये की। देखो नॉर्मल सी चीज़ सर्विस की अगर बात करूँ तो सिर्फ कहने के लिए और लोगों के सुनने के लिए, वो पहले वाली बात थी कि मारुति सबसे सस्ती है, आज के डेट में अगर बड़े ब्रांड में सबसे सस्ती किसी की सर्विस है तो वो है टोयोटा की, ठीक है, जितने की मारुति स्विफ्ट वगैरह की होती है ना इतने की टोयोटा की हो जाती है तुम्हारा फॉर्च्यूनर की, ठीक है, अल्टो 800 का भी ना 20,000 रुपये के बनते देखे मैंने, क्योंकि देखो रियलिटी क्या है इधर से, नॉर्मली एक जो एडवाइजर आपको अटेंड कर रहा है ना उसका टारगेट है भैया इतने की लेबर देनी है तुझे महीने में, हाँ, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, सर कूलेंट चेंज करवा लो इतना हो गया 20,000 किलोमीटर, स्पार्क प्लग चेंज करा लो सर हर 20,000 रुपये चेंज होते हैं, ठीक है सर ये चीज़ हम मान के चलो ये है, आपको लग रहा है कि ये वास्ता कर रहा है सर चेंज करा लो, इसके अंदर की वो टूट गई है रास्ते में कभी, हाँ आपको लगेगा साला रास्ते में कहीं पड़ा है इससे बढ़िया तो अभी आइए करवा लो, ये होता है। होंडा सीधी सीधी नॉर्मली रिटर्न में सर्विस दे रही है 4700 रुपये में साल की एक सर्विस होगी, ब्रोशर पर रिटर्न में दे रही है इसकी सर्विस, डीजल की मेरे ख्याल में 5900 रुपये की या हाँ शायद 5900 या 5500 रुपये की है जो रिटर्न में दे रही है। दूसरा
2 लाख किलोमीटर तक या 10 साल तक आपको गाड़ी का कूलेंट चेंज नहीं करना। 2 लाख किलोमीटर या 10 साल? या 10 साल तक कूलेंट की टेंशन खत्म। दूसरा 80,000 किलोमीटर तक पेट्रोल गाड़ी में कोई स्पार्क प्लग चेंज नहीं होगा। इससे अलग नॉर्मली उसमें आपको 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिली होगी, उसके बाद में एक्सटेंड कराई होगी तो 5 साल में 1 लाख किलोमीटर, यही है। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी है, 5 साल भी लेते हैं तो भी अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी है। और अगर लंबे टाइम तक गाड़ी रखनी है बट पीस ऑफ माइंड रहना तो 10 साल तक वारंटी एक्सटेंड करा दो। 10 साल तक वारंटी एक्सटेंड करा दीजिए, ये चीज़ें रिटर्न में नहीं, ये चीज़ सही है। क्योंकि मैं वही तो बता रहा हूँ, अभी मैं यही बोल रहा था कि अभी जैसे अभी मैं बीच में ना काफ़ी चलाने लगा था अभी पिछले 10 दिनों में, तो मेरी गाड़ी चली हुई 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर में 2200 रुपये का तेल फाँक गया। नॉर्मली जो कस्टमर फीडबैक है, ठीक है, आपका 14-15 का निकाल लेगी एसी पे, सिटी के अंदर हाईवे पे 17.5 तक। कच्चे रास्ते पे? हाँ, ये कच्चा नहीं है, थोड़ा सा वैसा है फिर रोड है, थोड़ा सा आपको भी सस्पेंशन का आइडिया लग जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस लग जाएगा। कितने ग्राउंड क्लियरेंस? 170। चौदह पंद्रह की एवरेज निकालेगी हाईवे पर 17.5 तक की निकाली है जो कंपनी क्लेम करती है। होंडा की एक चीज़ और बता दूँ, अगर जो बंदा होंडा यूज़ कर रहा होगा कभी उससे मिलना, अगर नॉर्मल ड्राइविंग करता होगा अच्छी, एक तो होता है कि जैसे आप और हम ले डाउन मार मार के उठा दी गाड़ी, सूत रहे हैं गाड़ी, अगर नॉर्मल ड्राइविंग करता होगा ना अपनी गाड़ी की, कंपनी मेरा फ्रेंड है उसके पास में वो है आपका होंडा सिटी, ठीक है, कंपनी 17.5 का क्लेम करती है भाई साहब, 22 का एवरेज देती है उसकी पेट्रोल में। हाँ, ड्राइविंग की उस पर रहता है ना। मैं ये कह रहा हूँ वो ये इको मोड है ना, इट मीन्स की राइट गियर है और राइट स्पीड है,